हमारी तरफ से राधे राधे। हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम, यहाँ से पहले जाएंगे नैनीताल, नैनीताल से फिर जाएंगे सारी फैमिली की तरफ से। आपको सबको राम राम। हाँ आप सबको। और गाइस रास्ते में बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, इतनी ठंड पड़ रही है, देखो सब गर्म कपड़े कैसे पहन के बैठे हैं। और एक जो पीछे बंदा बैठा है ना, उसको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, कभी फेस नहीं दिखाता वो अपना। और एक इधर बैठा है, ये देखो कैमरामैन जो बैठा है, ये भी सामने आना पसंद नहीं कर रहा है। ये मेरी दीदी है। हेलो, राम राम। राम राम, राम राम जी। बाबा ने बुलाया भाई, बाबा का दर्शन के लिए जा रहे हैं हम कैंची धाम नीम करौली। वहाँ भी काफ़ी ठंड बता रहे, मेरे दोस्त गए थे उसने बताया था, वहाँ पर जा रहे हैं। देखो कितनी धुंध पड़ रही है, इतनी धुंध पड़ रही है कि दूर का कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस ये आसपास पास का रोड नज़र आ रही है, आती जाती बस नज़र आ रही है, ये देख सकते हो। और हमें चले हुए हो गए होंगे, हम सुबह चले थे 7 बजे चले थे, 7 बजे चल के अब हम लोग कहाँ पे कहाँ तक पहुँचे? मुरादाबाद के पास। ये दीदी बैठी है, दीदी और ये हमारे भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब राम राम बोल। राम राम जी। देखो अभी सब तो चलो बाय, बाद में मिलते हैं। बीच तो गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए, बहुत ठंड हो रही है, चाय भी पीनी है दीदी, चाय पीनी है। वो पन्नी लिया, बस वो डाल लूँगी भैया, वो पन्नी बहुत जड्डा हो रहा है, जड्डा बहुत है भाई, बहुत सर्दी है, देखो कैसे लग रहा है हमें जड़ा। देखो देखो दीदी कैसे सुकड़ रही हैं। और अभी हमने चाय ऑर्डर की है तो चाय आएगी। इधर श्री खाना खा रही है, ये देखो श्री भोजन कर रही है, ले आजा खाना खा रही है यहाँ पे। देखो ठंड में क्या हाल हो रहा है, ना खा रही तो उसी देर तो ये देखो श्री कितनी मस्ती कर रही है सर्दी में, इसे बड़ा अच्छा लग रहा है। गाड़ी से काफी देर बाद बाहर निकली है ना ये, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी देखो हट के अंदर, चलो भाई चाय पीते हैं, ठीक है अब हम लोग चाय पी ले फिर मिलते हैं उसके बाद। भाई घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो और बाबा का मंदिर ये रहा। ये थोड़ा बाहर आए घूमने के लिए, पहाड़ वहाड़ देखने के लिए, और सब रूम पे है भाई, मज़ा आ रहा पहाड़ पे, ठंड हो रही एकदम मस्त। जय बाबा की, कैंची धाम की जय। लो भैया आ गए हम लोग मंदिर में, बाबा नीम करौली के। अभी मंदिर के अंदर की सफाई चल रही है इसलिए बाहर का गेट बंद है, अभी सभी भक्तगण अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर कब खुले और सब अंदर जाएं। और 7 बजे आरती शुरू हो जाएगी मंदिर की, और देखो हम सब यहीं खड़े हैं बाहर, सब वेट कर रहे हैं, कुछ भक्त बाहर खड़े हैं मेन गेट पे, कुछ अंदर हैं, भाई साहब खड़े हैं श्री को लेके गोद में। ये देखो ये अपना क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ठंड हो रही और ओम का आज बर्थडे है मेरे बेटे का। अच्छा। तो आप दर्शन करने के लिए आएंगे, आपको क्या पॉजिटिव एनर्जी फील हुई? आ गया यहाँ पे, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए।
चलो जय श्री राम। कैसा लगा? हैप्पी बर्थडे ओम ओम हैप्पी बर्थडे। आज इसका बर्थडे है ना, बर्थडे बॉय टेशन में अपने, और ये हैप्पी है। हैप्पी कैसा लगा यहाँ पे आके बेटा? है इनकी बहुत बड़ी मान्यता है नीम करोली बाबा की। कहते हैं कि जो कुछ बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं ना, वो सब पूरी होती है। तो आप भी नीम करोली बाबा के दर्शन करो सभी। अब थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी। अभी सब वेटिंग में खड़े हैं क्योंकि अभी सफाई चल रही है। चलो भाई।